है, टिपिकल क्वेश्चन कोई नहीं थे जाके, नॉर्मली क्वेश्चन थे जो आने चाहिए लेवल के हिसाब से सही थे। सर ये ऐसा है वहाँ पे वैकेंसी सुपर टेट तो निकला नहीं 3 साल से अभी तक, बार बार यूपी टेट होता है, सी टेट होता है जाके, पर अभी तक कोई भी सुपर टेट नहीं हुआ है। तो हमारे यूपी में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और बेरोजगारी की वजह एक भुखमरी है। तो योगी जी काम नहीं कर रहे? योगी जी काम कर रहे हैं, कुछ काम अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी बेरोजगार, जैसे मैंने एमएससी भी कर रखी, बीटीसी बीएड भी कर रखी, अभी किस काम की? राजस्थान में हो रही रीट परीक्षा का पहला पड़ाव यानी कि पहली पारी खत्म हो चुकी है और उसके बाद अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं एग्जाम देकर। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे किस तरीके का पेपर रहा पहले के। सही था सर, टिपिकल क्वेश्चन कोई नहीं था जाके, नॉर्मली क्वेश्चन थे जो आने चाहिए लेवल के हिसाब से सही थे पेपर जाके। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर यूपी से। तो यूपी से यहाँ आने का पहले तो कारण बताइए कि इतनी दूर से आप राजस्थान में बतौर शिक्षक सेवा देना चाहते हैं। सर ये ऐसा है वहाँ पे वैकेंसी सुपर टेट तो निकला नहीं 3 साल से अभी तक, बार बार यूपी टेट होता है, सी टेट होता है जाके, पर अभी तक कोई भी सुपर टेट नहीं हुआ। ओके, तो अब यहाँ पहुँचे, किस तरीके की व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार ने की है, इन व्यवस्थाओं को कहें या फिर अव्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है? व्यवस्थाएं सही है सर, यहाँ पे बस वो ये जाके आने जाने का प्रॉब्लम है सर, जाके जगह जगह से बस एक्सचेंज करनी पड़ती है जाके सर। तो आज सुबह से लगातार जयपुर शहर में बारिश हो रही है, बारिश की वजह से कितनी मुसीबत आपकी और ज्यादा बढ़ रही है? सर बारिश तो मौसम ख़राब है तो बारिश तो हो ही रही है, बारिश की वजह से मुसीबत भी झेलनी पड़ रही है, लेकिन असली चीज़ ये है कि हम लोग यूपी से आए हैं, मैं आगरा से दिनेश नाम हूँ मेरा। तो हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और बेरोजगारी की वजह एक भुखमरी है। तो योगी जी काम नहीं कर रहे? योगी जी काम कर रहे हैं, कुछ काम अच्छे भी कर रहे हैं, लेकिन जो वैकेंसी बेरोजगार, जैसे मैंने एमएससी भी कर रखी, बीटीसी बीएड भी कर रखी, अभी किस काम की? जो कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे, सुपर टेट नहीं निकाल रहे, 5-4 साल हो गए, एक बार यूपी टेट निकालते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, लीक हो जाता है फिर दोबारा से कराते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। हमने 3-4 डिग्री कर रखी हैं, अगर वहाँ पे हमें रोज़गार मिलता स्थाई स्टेट में तो अदर स्टेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और नियर बाई हमें अगर राजस्थान सरकार फिर भी कहीं तक ठीक है कि इसने पिछले साल भी वैकेंसी निकाली थी, इस बार भी सोच रही, इस बार भी रीट कराया उन्होंने और रीट का पेपर बहुत अच्छा था, इजी था, मतलब पेपर सही था, इसमें चांस है। दोबारा एग्जाम करवाना पड़ रहा है तो इस बार क्या लगता है फिर से चीट होगी कि इस बार तो नहीं होनी चाहिए? इस बार तो कुछ ज़्यादा ही सख्ती है, इस बार तो मतलब जूते कुछ कड़े ऐसे कुछ चीज़ें अंदर नहीं ले जाने दे रहे, सारी चीज़ें बाहर है। एक और बंदा हमारे साथ है, आप सबका नाम बताइए। आपका? मेरा नाम शिवम है, मैं भी यूपी से ही हूँ। यहाँ पर इस बार फिलहाल जो पेपर का लेवल था वो भी ठीक था और जो सख्ती करती जा रही है वो फिलहाल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ, तो ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि एग्ज़ाम देने में और एग्ज़ाम पेपर में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन घर से उठकर एग्ज़ाम सेंटर आने तक जो परेशानी उठानी इनको पड़ी है वो सबसे बड़ी थी।